नमस्कार बच्चों बच्चों हम पढ़ रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। इन दिस चैप्टर वी हैव सीन सो मेनी कंसेप्ट्स ऑफ भक्ति, सगुण निर्गुण एंड सो मेनी सेंस फॉर देयर। देन इन तमिल ऑल्सो वी हैव सीन इन तमिलनाडु वॉट सॉर्ट ऑफ भक्ति वॉज गोइंग ऑन, लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट द नायनार्स एंड द अलवर्स। देन वी हैव स्टडीड द डिवोटीज ऑफ विष्णुज एंड शिवा, अबाउट द वुमेन डिवोटी ऑल्सो। सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस एंड स्टडीड इन द अर्लियर पार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ लिंगायत। लिंगायत मीन्स द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स लिंगायत कहलाए। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में, जो कि कर्नाटक में एग्जिस्ट कर रही है, वीर शैव ट्रेडिशन। अब हमने पहले ये बात की थी कि जिनका जिन भगवान में, जिस गॉड में फेथ होता है, दे यूज टू फॉलो द सेम पाथ, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो अगर हम लिंगायत्स की बात करते हैं तो दिस वॉज ओरिजिनेटेड इन द पर्टिकुलर कर्नाटका। और कैसे उनका ओरिजिन हुआ और कैसे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुए, हम उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे आज। लेट्स सी द फर्स्ट। अब बताएं आप कब हुआ ये? तो ये हुआ था हमारा 12th सेंचुरी में, विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका। 12th सेंचुरी में एक नया मूवमेंट कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। बेसिकली इट वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट। कैसे था और किसने इसको लीड किया था? लेड बाय ब्राह्मण बसवन्ना। बसवन्ना नाम के जो लीडर थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको लीड किया। देन बसवन्ना कौन थे? ही वॉज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कलाचुरी रूलर। कलाचुरी एक जगह का नाम, वहाँ के जो राजा थे उनके कोर्ट में एक मिनिस्टर थे। कौन थे? बसवन्ना थे। तो 12th सेंचुरी में जो ये एक मूवमेंट हुआ, रिलीजियस मूवमेंट, उसके लीडर थे बसवन्ना। और वो कौन थे? वो कलाचुरी कोर्ट में जो थे मिनिस्टर थे। एंड हिज फॉलोअर्स वर नोन एज द वीर शैव हीरोज ऑफ शिवा और लिंगायत। अब वीर शैव कहलाए, वीर शैव कौन? जो कि बसवन्ना को फॉलो करने वाले। उन्होंने एक अपना एक अलग पर्टिकुलर पाथ जो था वो फॉलो किया। और ये लोग कौन थे जो कि वर्शिप कर रहे थे, पूजा कर रहे थे? किनकी? शिव और लिंगायत। तो ये क्या थे? लिंगायत कौन होते? वियर ऑफ लिंगास। लिंगास एक पर्टिकुलर लिंग को वो शोल्डर पे वियर करते हैं इन अ सिल्वर कोटेड पर्टिकुलर कवर, दैट वॉज लाइक दैट। और वो कौन होते हैं? ईश्वर भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो ये क्या था हमारा मूवमेंट कब हुआ था? 12th सेंचुरी में हुआ था। और किसने इसको लीड किया था? बसवन्ना ने किया था। कहाँ मिनिस्टर थे ये? कालाचुरी रूलर के कोर्ट पे मिनिस्टर थे। और इनके फॉलोअर जो थे वो क्या कहलाए? वो वीर शैव कहलाए। और किसके हीरोज, किसके नायक कहलाए? वो शिव के और लिंगायत के। तो दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ दैट लिंगायत मूवमेंट। फिर हम देखते हैं इट वॉज द इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ऑफ दैट रीजन। ये उस जगह की, उस एरिया की एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी बन गई। जैसे हम एरियाज देखते हैं ना, कि ये जो एरिया है ये ब्राह्मणों का है, यहाँ ये कास्ट के लोग रहते हैं, ये यहाँ इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो हमने देखा कि वो जो एरिया था जहाँ वो बसवन्ना थे, उनका जो कम्युनिटी थी उस जगह पे इम्पॉर्टेंट बन गई। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ एज लिंग, और लिंग के रूप में भगवान शिव की वो भक्ति करने लगे। कि दे वर वर्शिपिंग द लिंगा एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा, शिव के रूप में। शिव का वैसे हम रूप देखते हैं तो कैसा होता है? वो सिर से जटा निकल रही, जटाएं हैं, जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है, और भभूति लगाए हुए हैं, और मेडिटेशन कर रहे हैं, तीन नेत्र हैं उनके, हमारे माइंड में वो इमेज है। तो उस इमेज को उन्होंने लिंग के रूप में कन्वर्ट किया और लिंग की पूजा हुई। देन अ मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंग। अब क्या करते थे जो उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग? स्मॉल लिंग इन द सिल्वर केस ऑन अ लूप स्टंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में उस पर्टिकुलर लिंग को वो वियर कर किया करते थे, मतलब एक पहचान थी। दिस वॉज द आइडेंटिफिकेशन दैट दे आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ लिंगायत्स। देन लिंगायत्स बिलीव ऑन डेथ डिवोटी विल बी यूनिफाइड विद शिवा।
एंड विल नॉट रिटर्न इन दिस वर्ल्ड. अब इनका इनकी जो सोच थी वो ये थी कि अगर डेथ होती है तो डेथ के बाद व्हाट विल हैपन, दैट पर्टिकुलर डेड बॉडी विल बी यूनाइटेड विद द शिव, शिव से उनका यूनिफिकेशन हो जाएगा. एंड दैट्स वाई दे वर नॉट हैविंग द क्रिमिनेशन सेरेमनी, जो दाह संस्कार होता है उसको वो नहीं मानते थे, वो उनको जमीन में दफनाते थे जिनकी डेथ होती थी. सो वॉट वॉज दैट कि लाइक लिंगायत्स बिलीव ऑन दैट डिवोटी विल बी यूनिफाइड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न इन द वर्ल्ड, कि वो जो डिवोटी है उसका जो डेड बॉडी है वो शिव से यूनिफाई हो जाएगा एंड इट विल नॉट रिटर्न इन द वर्ल्ड. They do not practice funeral rites such as cremation persisted on in Dharma Shastra. Dharma Shastra में कहा क्या क्या कहा गया है कि जब तक उस body को जलाया नहीं जाता, उसका cremation नहीं होता, उसका दाह संस्कार नहीं होता, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती. But Lingayas क्या करते हैं, कहते हैं कि the body is going to be unified with the Shiva, कि जो शरीर है वो शिव से यूनिफाई होगा, तो उसको क्रिमिनेट नहीं करना है, जलाना नहीं है, उसे दफनाना है. देन दे सेरेमोनली बरी देम डेड. अब जो आपकी डेड बॉडीज होती थी उनको पूरी सेरेमनी से, पूरी रिचुअल्स के साथ में वो ज़मीन में दफनाते थे. सो यहाँ पे हम मेन चीज़ क्या देख सकते हैं कि दे वर डिफरेंट इन सो मेनी टर्म्स विद द ब्राह्मणास, और जो धर्मशास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं वो उससे अलग व्यवहार कर रहे थे, अलग चीज़ कर रहे थे, क्योंकि उनके बिलीव्स अलग थे, उनके बिलीव्स लॉर्ड शिवा को लेके थे. एंड ही वर देवर बिलीविंग दैट द बॉडी इज गोइंग टू बी यूनिफाई विद द शिवा, सो वी डोंट नीड टू क्रिमिनेट इट, इट शुड नॉट बी लाइक देर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनेशन सेरेमनी. ये बरीड होनी चाहिए ज़मीन में, इसको दफनाया जाए. Because when the body will not remain, जब शरीर ही नहीं रहेगा, जला दिया जाएगा, then how the body will be unified. तो ये उनका एक particular मत था या उनका belief था जो अलग था धर्मशास्त्रों से. They challenge the idea of caste system by Brahmins. अब देखिए यहाँ पर हमें कई चीज़ देखने को मिल रही है जो ब्राह्मण से अलग हैं, जो धर्मशास्त्र से अलग हैं. फर्स्ट तो क्या हुआ, बॉडी को जला नहीं रहे हैं, दफना रहे हैं. नंबर टू क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट बिलीविंग इन द कास्ट सिस्टम. और कास्ट सिस्टम वॉज बिलीव बाय स्ट्रांगली बाय द ब्राह्मणास, हिंदूज अपर कास्ट के लोग कास्ट सिस्टम को बिलीव करते थे. कैसे करते थे कि आपकी जो अपर कास्ट है दे शुड बी गेटिंग द प्रिविलेज, और जो लोअर कास्ट है दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम. तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था उसके अगेंस्ट थे. कौन थे, लिंगायत्स. देन दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ बाय द ब्राह्मण्स, क्वेश्चन ऑन रीबर्थ. उन्होंने कहा भाई रीबर्थ जो है वो नहीं होता, जबकि हमारे यहाँ हिंदुओं में धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देयर इज रीबर्थ, कि आपका पुनर्जन्म होता है. इट इज़ सेड कि दैट इफ़ यू आर डूइंग अ गुड वर्क इन दिस पर्टिकुलर बर्थ, अगर आप काम अच्छे करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट इन द नेक्स्ट बर्थ, आपको नेक्स्ट बर्थ में उसका रिजल्ट मिलेगा. बट ही सेड कि दे सेड कि ऐसा होता ही नहीं है, रीबर्थ होता ही नहीं. तो दे पुट द क्वेश्चन मार्क ऑन दैट कि क्या रीबर्थ होता है, नहीं उनकी नज़र में. नाउ पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, और जो वृद्ध विवाह होता है या री मैरिज ऑफ विडोज, उनको भी उन्होंने कहा कि ये जो धर्मशास्त्र इनको मना कर रहे हैं, दे आर रॉन्ग, इट शुड बी, ये होना चाहिए. इट मीन्स वो कुछ रिफॉर्म्स के में वर्क कर रहे थे, सोशल रिफॉर्मिंग की बात कर रहे थे. मतलब दे वर नॉट बिलीविंग ऑन द रिचुअल्स, ऑन द ट्रेडिशंस एज इट इज, दे वर हैविंग द आइडिया टू ग्रूम द सोसाइटी, दे वर हैविंग द आइडिया टू दस इम्प्रूव द सोसाइटी. अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसको हमें स्टॉप करके अपने व्यूज़ को रखने का अधिकार, राइट होना चाहिए. एंड दे वर डूइंग दैट. तो उन्होंने ऐसी कुछ बातें जो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ब्राह्मण कर रहे थे उनके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज किया. इट मीन्स दे वर नॉट बिलीविंग इन द रिचुअल्स विच आर द ट्रेडिशन ओनली. वो सिर्फ ट्रेडिशन का पार्ट बन के चीज़ों को एज इट इज फॉलो करना उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे. और ऐसा देखने को मिला है आपके यहाँ बुक में, एक सोर्स है बच्चों, बसवन्ना एंड रिचुअल्स, उसमें बताया कि सरपेंट, एक जो सांप है वो जो शिव है, शिव के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं. पर जब असली में सांप आता है तो लोग उसको गोवे गोवे उसको भगाते हैं, डरते हैं उसे. ऐसा ही जब
हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, बहुत सारी ऑफरिंग करते हैं, मिठाई लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे, बट जब वेन द नीडी इज आस्किंग वी आर नॉट गिविंग द फूड टू द नीडी वन. तो दे सेड कि दिस इज द रॉन्ग ट्रेडिशन, गलत बात है ये कि अगर वही चीज़ आपको एज अ डिवोटी एज अ डाइटी मिलती है, डाइटी के रूप में आपको देखा कि वो शिव के ऊपर वो सांप लगा हुआ है तब आप उसकी पूजा कर रहे हो और रियल में वो आ गया है तब आप उसको भगा रहे हैं, या फूड और जो आपके ऑफरिंग्स होती हैं जो पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं या जो इस तरह की मिठाइयाँ होती हैं हम मंदिर में दे रहे हैं बट द बेगर विच इज सेटिंग आउट ऑफ द टेम्पल वी आर इग्नोरिंग द पीपल. तो इट शुड नॉट हैपन. तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है. जैसे हमने देखा कुछ फिल्म्स भी इस पर आई है, पीके फिल्म आई कि हम ऐसा रिचुअल करते हैं और जब एक्चुअली द पर्सन हु दोज आर इन नीड उनको हम इग्नोर करते हैं. तो दिस इज टोटली रॉन्ग. व्हेन द पीपल दोज आर इन टोटल नीड वी नीड टू सी देयर नीड्स आल्सो, हमें उनको भी देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ईश्वर मतलब देवर बिलीविंग इन द रियलिस्टिक थिंग कि गॉड इज गोइंग टू बी हैप्पी विद देम ओनली दोज आर गोइंग टू हेल्प टू द नीडी वंस. जो नीडी वंस की हेल्प करते हैं लोग ईश्वर उन्हीं से खुश होते हैं. तो इन सच अ मैनर दे पुट द क्वेश्चन मार्क ऑन द रिचुअल्स की जो रिचुअल्स ऐसे थे जिससे सोसाइटी के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा था. लोग जो थे उनको बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव कर रहे थे विदाउट जस्ट जस्टिफाइंग देयर ऑथेंटिसिटी. उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है उसको जस्टिफाई किए बिना बिलीव कर रहे थे, उस पर क्वेश्चन मार्क किया. तो देखें एक बार हम रिवाइज करते हैं लिंगायत के बारे में. हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है. देन वी स्टडीड कि 12th century में एक नया मूवमेंट आया. कहाँ आया? कर्नाटक में आया. किसने लीड किया? ब्राह्मण ने. क्या नाम था उनका? बसवन्ना. बसवन्ना कौन थे? ही वॉज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर रूलर. और जो इनके फॉलोअर थे वो वीर शैव कहलाए, मतलब शिव और लिंगायत के फॉलोअर. देन ये क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट कमेटी हो गई. इन्होंने शिव की पूजा लिंग के रूप में की. देवर वियर इज द लिंग ऑन द शोल्डर. देन लिंगायत बिलीव की डेथ के बाद क्या होता है? बॉडी इज गोइंग टू बी यूनिफाइड विद द शिवा ओनली. सो दे वर नॉट गोइंग फॉर द क्रिमिनेशन सेरेमनी. दाह संस्कार को बिलीव नहीं कर रहे थे. दे आर बरिंग द बॉडी इन द अर्थ. उसको दबा रहे थे क्योंकि उनका मानना ये था कि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी यूनिफाई विद द शिव. शिव के साथ में उस शरीर का एकाकार हो जाएगा. देन दे पुट द क्वेश्चन ऑन द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम धर्मशास्त्र ने दिया उस पर बिलीव नहीं करते थे. दे वर सेइंग दैट्स रॉन्ग. प्यूबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज इस पर उन्होंने कहा कि दे वर डिफरेंट विद द ब्राह्मणास, इट शुड बी देयर. सोशल रिफॉर्म की बात की और ऐसे रिचुअल्स जिसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं और थियोरेटिकल हम क्या करते हैं उस पर डिफरेंस ना हो. जो लोग वाकई नीडी हैं, जो वाकई दोज हु आर रियल इन द नीड ऑफ द फूड एंड वाटर एंड समथिंग एल्स, तो दे शुड बी प्रिविलेज, उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए. तो उन्होंने रियलिस्टिक बात की. किन्होंने बात की? वीर शैव लोगों ने. वीर शैव ट्रेडिशन जो आई वो रियलिटी की बात करी और कर्नाटक में डेवलप हुई. तो ये आपको मेन मेन चीज़ें याद होनी चाहिए, किसने डेवलप किया, कैसे हुआ, क्या मेन बातें थी, या लिंगायत के मेन प्रॉपर्टीज़ क्या थी, क्या फीचर्स थे, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. उनके बिलीव्स क्या थे, कैसे डिफर करते थे धर्मशास्त्र से. जब हम कंटेंट पूरा पढ़ते हैं तो हम हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होते हैं कि उसका मतलब क्या था, अलग क्या था, फीचर्स क्या थे. तो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. स्टिल यू हैव टू रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी. आई विल सेंड द पर्टिकुलर नॉर्म्स ऑफ द लिंगायत्स क्योंकि और ट्रेडिशंस क्या थे. आपको बसवन्ना के बारे में आई विल सेंड द स्टोरी ऑल्सो, आप उसको पढ़ें और जानें उसके बारे में. तो यू विल कम टू नो मोर अबाउट दैम. तो दिस वॉज द ट्रेडिशन एंड दिस वॉज द पर्टिकुलर मूवमेंट इन द पर्टिकुलर प्लेस दैट वॉज द कर्नाटका. और इसके बारे में हमने आज जाना और ये अलग था बाकी धर्मों से. और अभी रिसेंटली भी दे आर एग्जिस्टिंग देयर. उसका भी वन वीडियो आई विल सेंड टू यू. यू विल सी हाउ दे आर देयर एंड दे वांट टू से दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज. वो हिंदू से अलग है, उनका एक अलग मत है क्योंकि दे आर बिलीविंग ऑन द शिवा ओनली. हिंदू धर्म में क्या बहुत सारे देवी देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हम कहते हैं, बट दे आर बिलीविंग इन द शिवा ओनली. दैट्स वाई दे सेड कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज. तो हिंदू से अलग है. तो हम अब ये हमने इस टॉपिक में ये देखा कि वीर शैव ट्रेडिशन क्या थी और लिंगायत के मेन फीचर्स क्या थे, हाउ देवर अपोजिंग द ब्राह्मणास, किन बातों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. एंड क्वेश्चंस अगेन आई विल से यू नीड टू सी फ्रॉम द CBSE गाइड. आई विल सेंड द लिंक अगेन, आप उस पर देखें कैसे क्वेश्चंस पे फ्रेम होते हैं. बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव द UT1 एग्जाम ऑल्सो, जिसमें आपके सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे.
दिस फॉर द टॉपिक, आप इसको रिवाइज करिए और जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, डू सॉल्व इन योर हिस्ट्री नोटबुक. सॉल्व करना है आपको. जो बच्चे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द प्रिविलेज ऑफ दैट. उसका प्रिविलेज आपको मिलेगा. जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, इट विल बी बेनिफिशियल. सो अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया डेली पढ़ना, तो डू स्टार्ट, एंड व्हेन यू विल बी इन द कंटिन्यूशन ऑफ द स्टडीज, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. जो बच्चे डेली पढ़ते हैं, डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. बिल्कुल पढ़ें आप लिंगायत के बारे में, पढ़ें शिव के बारे में, पढ़ें देन अबाउट द बसवन्ना. सो मेनी टॉपिक्स आर देयर टू बी स्टडीड लेटर ऑन. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.